हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ ममता कापरी। पिछले क्लास में फाइबर टू फैब्रिक हम पढ़ा चुके हैं, उससे कुछ और पार्ट हैं जो इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में फाइबर टू फैब्रिक में टॉपिक था फाइबर, फैब्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, हाउ टू मेक फैब्रिक फ्रॉम फाइबर। इसमें हम लोग जिसमें देखे होंगे कि कॉटन बॉल से क्या हुआ पिकिंग, पिकिंग से क्या हुआ गिनिंग, गिनिंग से क्या हुआ स्पिनिंग। अब हम लोग यूजेज ऑफ कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। कॉटन का यूज़ क्या है? इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ मटेरियल, डैट इज टेक्सटाइल और ए फैब्रिक। इसका यूज हम लोग क्लोथ मटेरियल में करते हैं, जो जिससे हम लोग क्या मिलता है, फैब्रिक मिलता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर लाइक रेयन। इसका यूज हम लोग कॉटन का यूज हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर में यूज़ करते हैं, जिससे क्या बनता है रेयन, जो कि सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग एन एक्सप्लोशन गन कॉटन। इसका यूज हम लोग गन कॉटन में भी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन हाउस होल्ड मॉप्स एंड फॉर क्लीनिंग मशीन पार्ट्स। इसका यूज हम लोग घर में सफाई करने के लिए है, और क्लीनिंग मशीन पार्ट्स में भी यूज़ करते हैं। किसका? कॉटन का। इट इज यूज इन हॉस्पिटल। इसका यूज हम लोग हॉस्पिटल में भी करते हैं। हॉस्पिटल में बहुत तरह से कॉटन का यूज होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉटन सीड एंड वाइल विच इज एडिबल वाइल। इसका यूज हम लोग कॉटन या कॉटन सीड का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? एडिबल वाइल, खाने वाले तेल में, जो तेल हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, जैसे कि वनस्पति हुआ और भी बहुत सारा चीज़ हुआ, उसमें हम लोग एडिबल वाइल में यूज़ करते हैं। नाउ जूट। जूट इट कम फ्रॉम जूट प्लांट। जूट कहाँ से मिलता है? जूट प्लांट से। ये रेनी सीजन क्रॉप है। ये बरसात के मौसम में ही ये इसका उपज होती है। ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ प्लांट। जूट कहाँ मिलता है? प्लांट के स्टेम में। कहाँ से ऑब्टेन होता है? प्लांट के स्टेम में। और ये हार्वेस्टेड एट फ्लावरिंग स्टेज। जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है, तब इसको हार्वेस्ट किया जाता है, क्योंकि उस समय वो कमज़ोर होता है, उस समय वो आसानी से ये निकल जाता है। इन इंडिया जूट इज़ कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल। इंडिया में जूट कहाँ कहाँ इंडिया में उपजाया जाता है? वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, आसाम एंड छत्तीसगढ़। ये सब जगह क्या मिलता है? जूट यहाँ मिलता है। नाउ जूट, द स्टेम ऑफ जूट प्लांट आर सोक इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। जूट को निकालने के लिए क्या जाता है कि स्टेम का, जो जूट का जो स्टेम होता है ना, उसको कुछ दिन के लिए पानी में सोक करने के लिए डाल दिया जाता है। अनटिल दे स्टार्ट रॉटिंग, जब वो सड़ने गलने लगता है, देन द फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड फ्रॉम रॉटिंग स्टेम। तब उसको क्या किया जाता है, सड़ने गलने के बाद वो कमज़ोर हो जाता है, उसमें से हाथ के द्वारा उसको उससे निकाल लिया जाता है। वंस द फाइबर हैव बीन ऑब्टेन दे आर मेड इनटू यार्न। जिस तरह जब वो सड़ा गला, उसको हाथ से निकाल लिया गया, तब वो क्या अब बनता है? यार्न बनता है। फिर उसको बाय ट्विस्टिंग स्ट्रैंड टुगेदर, फिर एक दूसरे को साथ उसको ट्विस्ट करके, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। क्या बोलते हैं? स्पिनिंग। तो ये हम लोग इस प्रोसेस से समझ जाएंगे कि स्टेम से जब स्टेम को जब हम लोग सोक करने डाले पानी में, तो वो रॉट हो गया। रॉट होने के बाद जब उसको ट्विस्ट किए, तो वो क्या फॉर्म किया? स्पिनिंग फॉर्म किया। स्टेम को सोक किए वाटर में, तो रॉटिंग से, उसके बाद जब स्पिन किए, तो ट्विस्टिंग होने के बाद क्या ये फॉर्म किया? यार्न बना। यूजेज इन टेक्सटाइल, जूट इज यूज फॉर मेकिंग रैपिंग पैकेज। इसका यूज क्या है? जूट का पैकेज को रैप करने में काम आता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स, इससे रस्सियाँ बनती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम क्लोथ्स। क्लोथ्स का जो फैब्रिक होता है ना, उसका इसमें यूज़ किया जाता है, जूट का। हेम, ये ज़्यादा काम में नहीं आता है, लेकिन तब भी इट इज़ अनदर पार्ट फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ हेम प्लांट। ये भी हेम प्लांट के स्टेम से मिलता है। दे आर यूज फॉर मेक रोप्स, इसका भी रस्सी बनता है, कारपेट बनता है, फिशिंग नेट मछली पकड़ने में काम आता है, मेकिंग कनवास, ये जो टेंट लगा के रहते हैं ना, उसमें हेम्प का काम आता है। इट इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट, ये बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट होता है, इसकी लीफ इस टाइप की होती है। नाउ फ्लैक्स। फ्लैक्स इट इज़ कल्टिवेटेड इन कूलर रीजन ऑफ ए वर्ल्ड। ये
कहाँ कल्टीवेटर होता है, कोलर रीजन में। द फ्लैक्स प्लांट हैज स्टेम अबव ए मीटर हाई, ये एक मीटर इसका स्टेम जो होता है, द फ्लैक्स प्लांट हैज स्टेम अबाउट ए मीटर हाई, मतलब एक मीटर हाई होता है। द लीव्स आर स्मॉल एंड फ्लावर आर ब्लू इन कलर, इसका पत्ते कैसे, पत्तियाँ कैसे होती है, छोटा होता है और फ्लावर ब्लू कलर का होता है। फाइबर्स आर प्रेजेंट इन आउटर पार्ट ऑफ ए स्टेम, और फाइबर्स जो कहाँ प्रेजेंट होता है, बाहरी पार्ट में। द स्टिकी मैटर प्रेजेंट इन द स्टेम इज डिस्ट्रॉयड बाई बैक्टीरिया, और इसका जो चिपचिपापन जो होता है ना, वो बैक्टीरिया के द्वारा इसका ये खत्म हो जाता है। द प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिंग। एंड तो ब्रोकन वुडी पीसेज आर सेपरेटेड फ्रॉम इट फाइबर्स आर कॉल्ड स्क्रैचिंग, और ब्रोकन वुडन पीसेज जो होते हैं जिससे वो अलग होता है फाइबर से, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्क्रैचिंग। इसका यूज होता है सिगरेट पेपर बनाने में एंड टेबल क्लॉथ बनाने में। ऊल, ऊल जानते हैं, इट इन्वॉल्व्स अ फॉलोइंग स्टेप, इसमें कुछ स्टेप हैं जैसे कि ऊल फॉर्म करने के लिए सीयरिंग, ग्रेडिंग, कार्डलिंग, स्पिनिंग, देन नीटिंग। सीयरिंग, रिमूवल ऑफ ऊल फ्रॉम शीप स्किन, सबसे पहले क्या किया जाता है, शीप के स्किन को निकाला जाता है सीयरिंग के प्रोसेस से। नेक्स्ट ग्रेडिंग, सेपरेटिंग फ्लीस फ्रॉम अ डैमेज ऊल, जितना भी ऊल डैमेज है उसको, उसके फ्लीस को सेपरेट किया जाता है, किस प्रोसेस से, ग्रेडिंग के प्रोसेस से। नाउ कार्डलिंग, आफ्टर द ऊल हैज बीन वॉश एंड ड्राई इट हैज पास थ्रू ए रोलर, आफ्टर द ऊल हैज बीन वॉश, जब ऊल वॉश होता है उसके बाद उसको सुखाया जाता है, उसके बाद उसको क्या किया जाता है, रोल किया जाता है। स्पिनिंग, द फाइबर आर गैदर टुगेदर ड्रॉ इन टू ए लॉन्ग रोप एंड देन ट्विस्टेड टू ए मेक ए यार्न, उसके बाद वॉश होने के बाद, रोल होने के बाद फाइबर्स आर गैदर टुगेदर, एक साथ मिलता है एंड ड्रॉन इन टू ए लॉन्ग रोप, बड़ा सा रस्सी बनाया जाता है, देन ट्विस्टेड इन टू ए मेक यार्न, उसके बाद ट्विस्ट होके वो यार्न बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग। नाउ द यार्न ऑब्टेन इज आइदर वीव इन टू ए फैब्रिक और रिटेन फॉर नीटिंग, अब यार्न जो है वो हम लोग को बुनने के द्वारा आइदर वीव इन टू ए फैब्रिक और रिटेन फॉर ए नीटिंग, अभी बुनने के द्वारा या वीव बुनाई करने के द्वारा, ये चार पांच प्रोसेस है, सीयरिंग, ग्रेडिंग, कार्डलिंग, स्पिनिंग, नीटिंग, इससे हम लोग को ऊन मिलता है। अब हम लोग बुक फिल करेंगे, चैप्टर आप लोगों का लगभग चैप्टर आप लोगों का थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया, आप लोग बुक खोलिए, लेसन थर्ड पेज नंबर 31 बुक फिल कीजिए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, पेज नंबर 31 फर्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट ए नेचुरल फाइबर, इसमें से कौन जो है वो नेचुरल फाइबर नहीं है, तो आंसर इज ए, लेदर। विच ऑफ दीज फैब्रिक विल यू चूज टू वियर इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, आंसर इज ए, कॉटन। हिस्टोरियन बिलीव दैट कॉटन क्लोथ वेयर फर्स्ट वॉर्न इन इजिप्ट, विच ऑफ दीज इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वूल टूडे, आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ जूट, आंसर इज सी, स्मूथनेस। विच ऑफ दीज इज नॉट ए फाइबर, आंसर इज सी, लेदर। विच ऑफ दीज डू यू थिंक ट्रैप द मोस्ट एयर, आंसर इज बी, कॉटन। विच ऑफ दीज इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन, आंसर इज सी, एब्जॉर्ब्स वाटर। नाउ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, गिव वन वर्ड, नेम वन फाइबर इच डैट इज, एक फाइबर का नाम बताना है, स्मूथ तो क्या है, कॉटन, आंसर इज कॉटन, शाइनी तो क्या है, सिल्क, फ्लबी ऊल, डब्ल्यू डब्ल्यू एल ऊल, रिंकल फ्री नायलॉन, यानी इसमें नायलॉन कपड़े में रिंकल जल्दी नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन ग्रो बेस्ट इन द डैश सॉइल ऑफ साउथ इंडिया और द डैश सॉइल ऑफ ए नॉर्थ इंडिया, तो फर्स्ट वाले में भरिए आप लोग ब्लैक और इसी में सेकंड वाले में भरिए एल्यूवियल, बी एल ए सी के, ब्लैक ए डबल एल यू बी आई ए एल, एल्यूवियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू ग्रो बेस्ट कॉटन रिक्वायर डैश रेनफॉल, बेस्ट कॉटन उपजाने के लिए कौन कैसा रेनफॉल होना चाहिए, तो आंसर इज मॉडरेट, एम ओ डी ई आर ए टी ई, मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज ए रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, तो आंसर इज सेरिकल्चर, एस ई आर आई सी यू एल टी यू आर ई, वो कौन सा प्रोसेस है जिससे सिल्क हम लोग को मिलता है, तो वो है सेरिकल्चर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूट इज वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर. जूट जो है वो सबसे चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है. ट्रू या फॉल्स? आंसर इज ट्रू. जूट ग्रो बेस्ट इन एरिया डैट गेट डैश रेनफॉल. जूट ग्रो बेस्ट इन एरिया डैट गेट डैश रेनफॉल. आंसर इज हैवी, HEAVY. नेक्स्ट क्वेश्चन, सोकिंग द जूट प्लांट इन ए वाटर इज कॉल्ड रेटिंग. जूट प्लांट जिसमें सोक किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेटिंग. RETTING, रेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक फाइबर्स ड्राई फास्टर देन कॉटन और ऊल. सिंथेटिक फाइबर जो है वो जल्दी सूख जाते हैं, कॉटन और ऊल. ट्रू या फॉल्स? तो आंसर इज ट्रू. फाइबर्स आर मेड फ्रॉम मेल्टेड प्लास्टिक बाय पासिंग इट थ्रू फाइन होल्स इन ए. फाइबर्स आर मेड फ्रॉम मेल्टेड प्लास्टिक. फाइबर जो है वो पिघले हुए प्लास्टिक से बनता है थ्रू ए फाइन होल्स इज कॉल ए. उसको क्या बोलते हैं? स्पिन रेट, SPINNERET, स्पिन रेट. SPINNERET. तो आज हम आप लोग को पेज नंबर 31 A and B फिल करवा दिए. नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. दैट्स फॉर टुडे. आप लोग ये याद कर लीजिएगा लेसन 3 का, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड चूज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ओके, बाय.